दोस्तों, तो एक अपडेट है जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 7th फेज का स्टार्ट हो चुका है उसमें अटेंडेंस बच्चों की बहुत कम आ रही है, यानी कि बहुत कम बच्चे ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का। तो अब ये एक अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए एक बुरी न्यूज़ भी हो सकती है। और बात करते हैं यार, इन लोगों को इतना टाइम मिल गया जो लोग अब 7th फेज में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 7 या 8 जो है 8 फेज होंगे इसके, 7th फेज में जो लोग जा रहे हैं उन्हें 2-3 महीने या 4 महीने मान के चलिए आप एक्स्ट्रा तैयारी का मिल गया है। तो बहुत क्वेरीज हैं कि सर हम लोगों ने जब दिया हमें तो तैयारी का मौका नहीं मिला। तो आप लोग स्ट्रेस ना लें, नॉर्मलाइजेशन हर किसी को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन जो है आपको बेनिफिट देगा, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबर जो है इक्वल करे जाएंगे। एनटीपीसी में जो है एसएससी की तरह नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, यही उम्मीद करते हैं एनटीपीसी में सही नॉर्मलाइजेशन हो, एसएससी की तरह ना हो कि 50 की जगह माइनस के 200 नंबर में भेज दिया जाए, ऐसे उठपटांग नॉर्मलाइजेशन ना हो। अब देखने वाली बात रहती है क्या एनटीपीसी भी नॉर्मलाइजेशन एसएससी की तरह करेगा, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है 7th फेज में और 8th फेज के में होगा तो वो लोग तैयारी करते रहिए, और जिनका हो चुका है तो वो स्ट्रेस ना लें कि आपका पहले हो गया, तैयारी का टाइम मिल रहा है, लोगों को 4 मंथ मिल गए तो इन लोगों ने तो पता नहीं कौन कौन सी किताबें लगा ली होंगी। तो नॉर्मलाइजेशन से सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए अपने और एग्ज़ाम देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।